गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम चैप्टर 7, जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर 7 के क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसके? क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात बहुत कम हुआ। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपके ऐसे अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनसे लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। ऐसी अनेक घटनाएं मेरे देखने और पढ़ने में आई। इनमें से 2 घटनाएं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक घटना का शीर्षक था भी ईमानदारी जिंदा है। एक महिला ने रिक्शे वाले के पैसे चुकाए और चल दी, लेकिन वह अपना पर्स रिक्शे में ही भूल गई। रिक्शे वाले ने कुछ सोचा और लौटकर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां वह महिला उतरी थी। कुछ देर बाद वह महिला घबराई वहां आ पहुंची। रिक्शे वाले ने पर्स उसे लौटा दिया। पर्स में कुछ गहने, रुपये, ATM और मोबाइल आदि थे। नेक्स्ट क्या है? यह घटना इस अपदापी भ्रष्टाचार बेईमानी के युग में आशा की एक किरण है। दूसरी घटना उदयपुर की है, जहाँ एक महिला अनाथ और गरीब बच्चों के मुफ्त में शिक्षा दे रही है। इस महिला के जीवन का उद्देश्य अनाथ बच्चों के साक्षर बनाना है। पिछले 15 वर्षों से वह इस कार्य में लगी है। हर साल उसकी स्कूल में कुछ न कुछ अनाथ और गरीब बच्चे आते हैं। इस सेवा कार्य में वह इतनी तल्लीन है कि उसने शादी तक नहीं की। इस समाचार को पढ़कर उक्त शिक्षिका के त्याग या सेवा भाव के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है। प्रत्येक शहर में लोगों को अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा यज्ञ में अपनी आहुति देनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप ही अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हैं। अब हम क्या देखते हैं? इसका आंसर देखते हैं। आजकल समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाओं को प्रमुखता से तथा बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई करने की खबरें नहीं के बराबर छापी हुई जाती है। ऐसी ही एक घटना मेरे पड़ोस की है। चौबे जी मेरे पड़ोसी हैं। सीधे साधे साधारण मध्यवर्गीय परिवार से हैं। उनके 4 पुत्र और 2 बेटियां हैं। चौबे जी एक निजी फर्म में काम करते हैं और किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन धनाभाव के कारण चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पा रहा था। इससे पूरा परिवार बहुत दुखी था। एक दिन पड़ोस में ही रहने वाले गुप्ता जी, जो अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चौबे जी के घर में सारी व्यवस्था आए। बातचीत के दौरान बेटे की आगे की पढ़ाई की चर्चा हुई। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद गुप्ता जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी। दो दिन बाद ही गुप्ता जी एक फॉर्म लेकर पहुंचे और चौबे जी के बेटे से उसे भरने को कहा। यह फॉर्म कोलकाता के किसी धर्मादा ट्रस्ट का था। एक सप्ताह के अंदर ही चौबे जी के बेटे को 1,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति आगे की पढ़ाई के लिए मिल गई। चौबे जी ने अपने बेटे का IIT में दाखिला करवा दिया। IIT अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई कि उनके बेटे का चयन अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अच्छे वेतन
पर हो गया। चौबे जी का बेटा आज अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज चौबे जी का पूरा परिवार गुप्ता जी का एहसान मंद है। अब हम क्या देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? 200 का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो। इस पर्दाफाश के पीछे किसी के दोस्त को सुधारने का उद्देश्य न होकर उसकी बदनामी कराना है। सत्यता को जाने बिना लोगों के सामने लाना तथा बदला लेने की भावना हो। साथ ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो अपनी अपनी साख बनाए रखने के लिए हिंसात्मक रूप भी धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल 200 का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता तथा तर्क सहित विचार लिखिए। आजकल बहुत से समाचार पत्र या चैनल 200 का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरह के समाचारों या कार्यक्रमों की सार्थकता है, इनका उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना। इनकी सार्थकता तभी है जब इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना हो। यदि इनके पीछे स्वार्थ, धनोपार्जन या प्रसिद्धि पाने की लालसा होगी तो ऐसे कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। तो आज आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर हमने अभी पढ़े हैं उनको क्या करना है, उनको अपनी नोटबुक में क्या करना है, अच्छे से राइट करना और उनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता या पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। परिणाम, लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी, सभी और झूठ का बोलबाला होगा। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। परिणाम, ईमानदारी समाप्त होती जाएगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। परिणाम, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, सच्चे व्यक्ति पर ही विश्वास करना कठिन हो जाएगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े उन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके थैंक यू बच्चों।